नंदन के बीच स्वागत के बीच मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित कर। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के अभियान में लगे हुए सभी माताओं बहनों भाइयों, स्वामी जी ने जैसा मुझे निर्देश दिया है वहीं से मैं मेरी बात शुरू करता हूं कि परिवर्तन जब होता है तो शुरू में किसी को भरोसा नहीं होता और बाद में वो हो जाता है। भारत से मैं मेरी बात शुरू करता हूं। भारत में अंग्रेजों की व्यवस्था 1757 में स्थापित हो गई, माने अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार 1757 में बन गई। पहले बनी बंगाल में, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में बन गई। और 1757 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, जो भारत से कुछ कपड़ा खरीद के दूसरे देशों में बेचती थी और चीन से चाय लाकर भारत में बेचती थी। यहां से उनका व्यापार शुरू हुआ था 1618 में। तो किसी को भरोसा नहीं था। सबसे पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि चाय बेचने वाली कोई कंपनी भारत की मालिक हो सकती है, यह किसी भारतवासी को भरोसा नहीं था। लेकिन ये भरोसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कुछ खेल खेला इस देश में कि चाय बेचने वाली एक कंपनी भारत से कपड़ा खरीदकर दूसरे देशों में व्यापार करने वाली कंपनी इस देश की मालिक बन गई। मालिक बनने के बाद फिर उन्होंने लूटमार की, और लूटमार इतनी की कि दुनिया के किसी देश में, इतिहास में इतनी लूटमार नहीं हुई जो भारत में हुई। एक एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी इस देश में आता था, करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति लूट के ले जाता था। स्वामी जी बार बार कहते हैं, इस वाक्य को आप हर लोगों के सामने कहिए, रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में 1757 के प्लासी के युद्ध के लिए आया, और युद्ध जीतने के बाद 900 पानी के जहाज भरकर सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक पन्ने जैसी बेशकीमती चीजें ले गया। 900 जहाज, नाव नहीं जहाज। नाव तो छोटी सी होती है, जहाज बहुत बड़ा होता है। एक जहाज में कितना टन? कितना? करीब 60 से 70 टन, इतना बड़ा जहाज होता था उस जमाने में। अब तो और भी बड़े होने लगे। अब तो 250 टन, 300 टन, 400 टन के जहाज हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में एक जहाज में 60 से 70 टन सामान आता था। तो ऐसे 900 पानी के जहाज भरकर, जिसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात माणिक पन्ने मोती आदि थे, एक जहाज में 60-70 टन और ऐसे 900 जहाज भर के एक अंग्रेज अधिकारी लूट के ले गया, जिसका नाम था मैकॉले। मैकॉले ने इस देश को लूटा, यहां से धन लेके गया। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा, वो धन लेके गया। फिर लिनलिथ को आया, उसने लूटा, वो लेके गया। फिर कर्जन आया, उसने लूटा, वो लेके गया। फिर विलियम वेंटिंग आया, उसने लूटा, वो लेके गया। फिर डलहौजी आया, उसने लूटा, वो लेके गया। ऐसे 84 बड़े अंग्रेज अधिकारी जो गवर्नर जनरल की हैसियत के थे, गवर्नर जनरल का माने होता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इस हैसियत के 84 अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे। उसके नीचे हजारों दूसरे अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे, लाखों दूसरे अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे। यह लूट इतनी जबरदस्त थी पूरे देश में कि सारा देश कंगाल और भिखारी हो गया था। घर घर में से अंग्रेज लूटते थे पैसा। आपको एक जानकारी दूं कि अंग्रेजों की लूट का तरीका क्या था। वो एक चिट्ठी भेजते थे किसी के बिना। मान लीजिए आप रहते हैं हरिद्वार शहर में और थोड़े पैसे वाले आदमी हैं, आपके पास अच्छा पैसा है। अंग्रेजों की खुफिया पुलिस होती थी, वो बताती थी कि किसके पास पैसा है। अंग्रेजों ने खुफिया पुलिस बनाई थी, उसका सबसे बड़ा काम यह था कि भारतवासियों में यह पता लगाना कि पैसा किसके पास है। तो कोई एक अधिकारी ने खुफिया पुलिस वालों को आदेश दे दिया, हरिद्वार के 8-10 व्यापारियों का पता चला, उनके नाम पते अंग्रेजी सरकार के पास पहुंच गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनके घर में एक चिट्ठी आती थी, एक पत्र आता था, उसमें लिखा जाता था 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो मार डालेंगे, तुम्हारे घर के बच्चे का अपहरण कर लेंगे, तुम्हारा अपहरण कर लेंगे, घर में आग लगा देंगे, तुम्हारी पत्नी के साथ बलात्कार करेंगे, तुम्हारी बहन के साथ बलात्कार करेंगे। इस तरह की चिट्ठी आती थी, मौखिक नहीं, लिखित चिट्ठी आती थी।
जैसे आजकल के गुंडे मवाली लोग होते हैं ना, डॉन लोग, वो आपको चिट्ठी भेज देते हैं 2 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। ठीक ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही किया करती थी, किसी बड़े के घर में चिट्ठी पहुंच गई और वो दे दी गई और उसके बाद फिर लूटमार शुरू होती थी। तो ज्यादातर लोग डर के मारे क्या करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी मांगे वो देते थे। तो पहले वो लोगों से लूटते थे, फिर राजाओं से लूटना शुरू किया। एक इलाके का राजा है, उसको चिट्ठी चली गई और उस चिट्ठी के आधार पर राजाओं से करोड़ों रुपए। तो ये लूट इतनी बड़े पैमाने पर चलती थी कि किसी भारतवासी को कल्पना नहीं थी कि कभी ये लूट बंद हो जाएगी। सारे भारतवासी लूटते थे, सब बर्बाद हो रहे थे, कल्पना किसी को नहीं थी कि ये लूट एक दिन बंद हो जाएगी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूट के बाद एक दूसरा धंधा शुरू किया, भारतवासियों का धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया, जबरदस्ती हिंदुओं से ईसाई बनाना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अधिकारी इस देश में काम करते थे, सभी अधिकारियों को यह लिखित आदेश था कि छुट्टी के दिन, रविवार को छुट्टी होती थी, छुट्टी के दिन वो बाइबल लेके एक एक मोहल्ले में जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को ईसाई बनाएंगे। तो ये दूसरा काम उन्होंने शुरू कर रखा था धर्म परिवर्तन का। तीसरा काम किसानों से जमीनें छीनने का कर रखा था। हिंदुस्तान के किसानों के पास अंग्रेजों के आने के पहले जमीनें थी हर एक किसान के पास कम से कम 10 एकड़, लगभग 20 करोड़ किसान थे इस देश में और हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन होती थी। तो ये जमीनें छीनने के लिए अंग्रेज अदालतें लगाया करते थे। डलहौजी नाम का अंग्रेज था जो एक एक गांव में जाके अदालत लगाता था और एक दिन में 25,000 किसानों से जमीनें छीन लेता था। और वो कानून बना रखा था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसके आधार पर ये जमीनें छीनी जाती थी। तो किसानों से जमीनें छीनते थे, व्यापारियों से पैसा लूटते थे, साधारण लोगों की मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, आम हिंदुस्तानियों को हिंदू से ईसाई बनाया करते थे, फिर हमारे उद्योगों को बर्बाद करने के लिए टैक्स लगाया करते थे। अंग्रेजों ने 350% तक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया था, केंद्रीय उत्पाद कर, भारत के उद्योगों पर। और अंग्रेजों के जो उद्योग भारत में चलते थे वो टैक्स फ्री किए हुए थे पूरे के पूरे। तो अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री और भारत के माल पर 350% एक्साइज ड्यूटी, फिर उसके बाद सेल्स टैक्स, फिर उसके बेचकर इनकम टैक्स, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने लोकल टैक्सेस लगाए थे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स, फिर हाउस टैक्स, ऐसे दसियों तरह के कर उन्होंने लगा रखे थे। हर तरह से अंग्रेज इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए थे। ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा विद्रोह होगा इस देश में, कभी अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे और ये लूट और खसोट बंद हो जाएगी, इसका भरोसा भारतवासियों को नहीं था। लेकिन एक आदमी को था। करोड़ों भारतवासी निराशा में डूबे हुए थे और हर बार भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर, इन अंग्रेजों को भारत से भगाओ, या इनको भारत से हटाओ, या इनके चंगुल से भारत को मुक्त करो। करोड़ों भारतवासी प्रार्थना तो करते थे लेकिन भरोसा किसी को नहीं था कि ये अंग्रेज चले जाएंगे एक दिन। एक भारतवासी था जबरदस्त क्रांतिकारी, उसको भरोसा था कि आज नहीं तो कल ये अंग्रेज छोड़कर जाएंगे। उस भारतवासी का नाम था नाना साहब पेशवा। सुनाए आपने नाना साहब पेशवा, ये क्रांतिवीर था जिसको एक को इतना जबरदस्त भरोसा था कि अंग्रेज तो अभी चले जाएंगे अगर हम भारतवासी संगठित हो जाएं। नाना साहब पेशवा के अगर आप भाषण सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, खून खौलेगा। नाना साहब पेशवा जब भाषण दिया करते थे कहीं खड़े होकर, तो इतिहास के दस्तावेजों में दर्द है कि लोगों की भुजाएं फड़कने लगती थी। 1850 के आसपास जब सारा देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, अंधकार में डूबा हुआ था, किसी हिंदुस्तानी को यह कल्पना नहीं थी कि अंग्रेज छोड़कर जाएंगे, ये लूट हमारी बंद हो जाएगी, भारत के प्रति जो दुराचार हो रहा यह खत्म हो जाएगा, एक हिंदुस्तानी ऐसा था जो दिया जलाए बैठा था। उनका नाम था नाना साहब पेशवा। बहुत छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति थे नाना साहब पेशवा। गांव का नाम मालूम है? बिठूर। यहां उत्तर प्रदेश के जो भाई बहन आए होंगे उनको मालूम है, कानपुर नाम का एक बड़ा नगर है और कानपुर से मुश्किल से 24-25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है बिठूर।
1850 के साल में बिठूर की आबादी मात्र 20,000 के आसपास थी। 20,000 की आबादी का कस्बा था, गांव भी नहीं कह सकते, शहर भी नहीं कह सकते, गांव और शहर के बीच का एक कस्बा था। तो 20,000 की आबादी के कस्बे में एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा ये सपने देखा करता था कि आज भारत नहीं तो कल आजाद हो जाएगा, कल नहीं तो परसों आजाद हो जाएगा, अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा, बस देर इतनी है कि पूरे भारत में हमारा संगठन खड़ा हो जाए। तो नाना साहब पेशवा एक व्यक्ति ने संगठन की शुरुआत की। और आप जानते हैं सबसे पहली बार जब उन्होंने लोगों को अपील की कि मेरे साथ संगठन में शामिल हो जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहता हूं, मुक्त कराना चाहता हूं, तो ज्यादातर लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी। उनके साथ एक दूसरा आदमी आया, दूसरा क्रांतिकारी जो जुड़ा, उनका नाम था तात्या टोपे। एक से दो हो गए। अब नाना साहब पेशवा के साथ जब तात्या टोपे आ गए तो नाना साहब पेशवा ने कहा एक से दो नहीं हुए, एक से एक 11 हो गए। फिर नाना साहब पेशवा गांव गांव निकल पड़े भाषण देने के लिए तात्या टोपे को साथ में लेकर, तो तीसरी एक क्रांतिकारी सदस्य उसमें और आ गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई साथ में आई तो उनकी एक सहेली थी झलकारी बाई, वो भी साथ में आई। और ऐसे करते करते एक क्रांतिकारी ने उम्मीद का दिया जलाया, आशा की किरण लोगों को दिखाई, अंग्रेजों को भगा देने का भरोसा लोगों को बताया, तो संगठन खड़ा होने लगा। और जानते हैं एक क्रांतिकारी का खड़ा किया हुआ संगठन 5 साल के अंदर लाखों क्रांतिकारियों का संगठन बन गया। 1850 से नाना साहब पेशवा ने काम शुरू किया संगठन खड़ा करने का। 1857 तक उनके संगठन में 1,00,000 से ज्यादा लोग हो गए और 1857 में अगले 2 साल में तो 7,32,000 उनके क्रांतिकारी सैनिक तैयार हो गए पूरे देश में। और जब नाना साहब पेशवा को लगा कि अब तो मेरे पास 7-8, 7.5 लाख क्रांतिकारी हो गए हैं, माने उनका कैलकुलेशन यही था, हर गांव में लगभग एक क्रांतिकारी, हर गांव में उनका एक कार्यकर्ता, वैसा ही कैलकुलेशन करके संगठन बनाया और उनको लगा हो गया है, तब उन्होंने हिंदुस्तान के उन राजाओं के साथ मिलना शुरू किया जो अंग्रेजों की लूट का शिकार हुए थे। राजाओं से वो उसके पहले नहीं मिले, पहले संगठन खड़ा किया, संगठन बड़ा हो गया तो राजाओं के पास जाना शुरू किया और एक एक राजा जिसको अंग्रेजों ने कभी लूट के बर्बाद किया था उन राजाओं को संगठन में शामिल करना शुरू किया। तो राजाओं की सेना, राजाओं का खजाना भी उनको मिलना शुरू हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि उनको लगा कि अब पूरे देश में क्रांति हो सकती है, तो सारे राजाओं की एक बैठक बुलाई, क्रांतिकारियों को संदेश भेजा कि 31 मई 1857 को सारे हिंदुस्तान में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ हम बगावत करेंगे और जहां जहां अंग्रेजों की छावनियां हैं उन सब छावनियों पर हम कब्जा करेंगे और अंग्रेजों के हथियार अपने कब्जे में लेकर अंग्रेजों को उन्हीं से मारेंगे और हिंदुस्तान से उनको खत्म कर देंगे। 31 मई 1857 का दिन तय हो गया, क्रांति का दिन तय हो गया, सारे कार्यकर्ताओं ने क्रांति की तैयारी शुरू करना। हमारे देश में 350 जगह पर अंग्रेजों की छावनियां थी, जैसे मेरठ अंग्रेजों की बहुत बड़ी छावनी था, ये अपने पड़ोस में रुड़की है ना, ये बहुत बड़ी छावनी था अंग्रेजों की, मेरठ था, रुड़की था, फिर दिल्ली था, फिर बरेली था, फिर शाहजहांपुर था, फिर रामपुर था, फिर उधर अलीगढ़ था, फिर एटा था, इटावा था, ऐसे 350 स्थानों पर अंग्रेजों की छावनियां थी। और नाना साहब पेशवा ने इतनी जबरदस्त योजना बनाई थी कि जहां जहां अंग्रेजों की छावनियां हैं वहीं पर सैनिक क्रांतिकारी, सैनिक उनको बुला करते थे जो क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा के संगठन में काम करते थे, तो भारत के क्रांतिकारी हर उन स्थानों पर संगठित होंगे जहां अंग्रेजों की छावनियां हैं और 31 मई को एक साथ बगावत करेंगे। लेकिन उसमें एक छोटी सी गड़बड़ हो गई,
कि तारीख तय हुई थी 31 मई 1857, ये मेरठ के लोगों ने कुछ जल्दबाजी कर दी और जो काम 31 मई को शुरू होना था वो 10 मई को ही चालू कर दिया। मेरठ वाले थोड़े ज्यादा उबाल वाले लोग हैं, ये जो इलाका है ना मेरठ मुजफ्फरनगर, ये जाट जाति समूह का इलाका है और जाट जाति समूहों के बारे में अंग्रेज खुद मानते हैं बहुत पराक्रमी बहुत वीर। जाटों के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बहस होती थी तो अंग्रेज कहा करते थे एक जाट 10 अंग्रेजों के बराबर है। तो ये जाट समूह जाट जाति का इलाका है मेरठ, तो ये लोग थोड़े उतावले हो गए, इनका खून ज्यादा उबल गया, इनके खून पर इनका कंट्रोल नहीं रहा। 10 मई को ही सारा खेल इन्होंने शुरू कर दिया और 10 मई की शाम 5 बजे अंग्रेजों की पूरी छावनी को आग लगा दी इन्होंने मेरठ में और क्रांति की शुरुआत हो गई। गुस्सा किस बात पे आया, मेरठ के नागरिकों को अंग्रेजों की छावनियां जला देने का इतना गुस्सा कहां से पैदा हो गया? गुस्सा पैदा हुआ मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी 8 मई 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी थी बैरकपुर में और वो खबर 10 मई 1857 को मेरठ तक पहुंच गई और वो खबर पे गुस्सा आया। और अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी क्यों दी थी आप सभी जानते हैं, मंगल पांडे एक क्रांतिवीर नौजवान थे, आर्य समाजी व्यक्ति थे, आर्य समाज का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा था, गाय को माता मानकर काम करने वाले व्यक्ति थे। उनको यह पता चला कि अंग्रेजों की सरकार जो कारतूस देती है बंदूक में चलाने के लिए उसमें गाय की चर्बी लगी रहती है, बस मंगल पांडे को गुस्सा आ गया। और मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में सैनिक के रूप में काम करते थे तो उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा, उसका नाम था मेजर ह्यूसन, उसने मंगल पांडे ने पूछा कि क्या गाय की चर्बी का कारतूस हमें दिया जाता है, तो ह्यूसन ने ना हां कहा ना ना कहा, बस इसी पे गुस्सा आ गया और ह्यूसन को गोली मार दी मंगल पांडे ने। ह्यूसन को गोली मारी तो बड़ा अधिकारी था, तो अंग्रेजों के छोटे अधिकारियों ने मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया और मंगल पांडे के ऊपर फिर मुकदमा चला। जब तक मंगल पांडे पर मुकदमा चला 7-8 दिन, उनकी सेना की माने जिस छावनी में वो काम करते थे उसमें सैकड़ों सैनिक थे, किसी को भरोसा नहीं था कि कोई क्रांति होने जा रही है। आपको यह भी मालूम है मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने जब आदेश दिया था तो भारतीय सैनिकों ने कुछ ने तो मना कर दिया लेकिन कुछ ने मंगल पांडे को गिरफ्तार भी करवाया, माने जिन्होंने गिरफ्तार करवाया उनको भरोसा नहीं था कि कोई क्रांति होने जा रही है, कोई परिवर्तन होने जा रहा है। फिर मंगल पांडे को 8 मई को फांसी हो गई, फांसी के लिए कोई हिंदुस्तानी जल्लाद तैयार नहीं हुआ तो एक अंग्रेज अधिकारी को जल्लाद बनाया गया, मंगल पांडे को कोई हिंदुस्तानी ने फांसी नहीं दी, एक भी हिंदुस्तानी जल्लाद तैयार नहीं हुआ फांसी देने के लिए, सबने मना कर दिया। सबका एक ही बात था कहना कि अगर हम मंगल पांडे की जगह होते तो हम भी यही करते, उन्होंने मेजर ह्यूसन को गोली मारी हम भी मारते कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया था। मतलब मेरा कहने का है कि हर कदम पर परिवर्तन होता है तो ऐसा अचानक से कई बार हो जाता है भरोसा नहीं होता, तो वहां फांसी हो गई। जैसे ही फांसी हुई तो देखो चमत्कार क्या हुआ, फांसी होने के 3 घंटे में सवेरे 6 बजे फांसी हुई है मंगल पांडे को 8 मई को और लगभग 9 से 10 बजे उनकी प्लाटून में 1100 हिंदुस्तानी सैनिकों ने बगावत कर दी, माने एक मंगल पांडे के फांसी पे चढ़ते ही 1100 मंगल पांडे पैदा हो गए उसी प्लाटून में और 1100 भारतवासी सैनिकों ने उसी क्षण नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर अंग्रेजों ने उनसे कहा कि भाग जाओ यहां से, तो उन्होंने कहा हम भागेंगे नहीं, अब आपको भगाएंगे यहां से। अंग्रेज अधिकारियों ने ऐसे ही बोल दिया भाग जाओ यहां से, अब तुमने नौकरी तो छोड़ ही दी है, तो उन सैनिकों का जवाब था भागेंगे नहीं आपको भगाएंगे। तो वो 1100 सैनिक जुलूस बनाते बनाते पहुंचे गंगा नदी के किनारे, गंगा वहां से एक 24 मील की दूरी पर है जहां यह हुआ सारा वाक्या। पैदल चलते हुए गंगा के किनारे गए, हाथ में गंगा जल उठाया और कसम खाई कि अब हम इन अंग्रेजों को रहने नहीं देंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को मारा।
फिर क्या हुआ, पांच पांच की टुकड़ियां बनी और टुकड़ियों में तय किया गया कि आप एक दिशा में, आप एक दिशा में, आप एक दिशा में। 1100-1200 सैनिकों ने पांच पांच की टुकड़ियां बनाई और फैल गए पूरे भारत में, और गांव गांव, गली गली, नगर नगर एक सिद्धांत उन्होंने अपनाया, वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक। एक एक गांव में जाना, एक एक गली में जाना, लोगों को कहानी सुनाना, लोगों को बताना। इन 1100 क्रांतिकारियों ने जो काम किया है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने वाला काम है। आपको मालूम है उस जमाने में टेलीफोन नहीं था, उस जमाने में वायरलेस नहीं था, उस जमाने में टेलीविजन नहीं था, उस जमाने में रेडियो नहीं था, उस जमाने में तो ये माइक्रोफोन नहीं था। मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके आप 3000 भाई बहनों से बात कर रहा हूं, उस जमाने में तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना पड़ता था और उसी से बात करनी पड़ती थी। मोटर कार नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, रेल नहीं थी, आने जाने के साधन नहीं थे, या तो बैलगाड़ी पर चलो, या घोड़े गाड़ी पर चलो, या ऊंट गाड़ी पर चलो, या पैदल चलो, साधन कोई नहीं थे। तब ये 1100 क्रांतिकारी बैरकपुर से निकले और गांव गांव फैल गए। इन्होंने जो मशाल जलाई उनमें से क्रांतिकारियों की बातें सुन सुनकर लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। मेरठ में ये जानकारी जब पहुंची, दो दिन के अंदर ये जानकारी मेरठ तक पहुंच गई, तो मेरठ वालों में जरा जल्दी उबाल आ गया। वैसे तो 31 मई तय हुई थी, लेकिन 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत कर दी, और एक दिन और आधा दिन माने डेढ़ दिन में पूरा मेरठ आजाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से। आप कल्पना कर सकते हैं, हजारों अंग्रेजों का मेरठ के नागरिकों ने कत्लेआम कर दिया, एक दो नहीं हजारों का। अंग्रेज अधिकारी जो पुरुष होते थे उनको जिस आदमी को मिला उसी ने मारा। मेरठ के किसी एक नागरिक के हाथ में छोटा सा छुरा है, उसी को भोंक के अंग्रेज को मार दिया। महिलाओं के हाथ में वो होती थी हसिया, कहते हैं जिससे आप फसल काटते हैं, हसियों से गले काटे अंग्रेज अधिकारी। लोग निकल पड़े सड़कों पर हसिया लेकर, फावड़ा लेकर, कुल्हाड़ी लेकर, छुआ, अपने अपने जो भी हथियार थे, एक बेलचा होता सड़क खोदने का, ले लेके निकले, जो अंग्रेज मिला उसी को खत्म किया। लेकिन एक बात उन सब क्रांतिकारियों की तारीफ में कहनी पड़ेगी कि एक भी अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को, बेटी को, मां को, बहन को उन्होंने छुआ भी नहीं। एक भी अंग्रेज अधिकारी की मां, बहन, बेटी को हाथ नहीं लगाया। जो अंग्रेज अधिकारियों की मां, बहन, बेटियां होती थी उनको बाइज्जत घोड़ा गाड़ी में बिठाकर दिल्ली रवाना किया, और दिल्ली से फिर उनको दूसरे दूसरे स्थानों पर रवाना करके लंदन भेज दिया। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए तो उनकी पत्नियां रोते हुए कहती थी कि हमारे पास तो वापस जाने के लिए पैसे नहीं है, लंदन कैसे जाएंगे, किराए का पैसा नहीं है। तो मेरठ के नागरिकों ने चंदा इकट्ठा करके उन धर्म पत्नियों को लंदन पहुंचाने की व्यवस्था की। माने क्रांति भी की तो पूरे आदर्श के साथ। हमारा आदर्श क्या है? माताओं को, बहनों को छेड़ना नहीं, छूना नहीं, वो मेरी हो या किसी दूसरे की हो। हमारे भारत ने युद्ध के भी नियम बनाए हैं। दुनिया में ये अद्भुत देश है जो युद्ध लड़ने के भी नियम बनाता है। आपको मालूम है दुनिया में एक कहावत चलती है, बहुत खराब कहावत है लेकिन चलती है, अंग्रेजों की दी गई कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। कहते हैं कि ना, प्रेम में और युद्ध में हर चीज जायज है, लेकिन हिंदुस्तानी इसको नहीं मानते। हिंदुस्तानी कहते हैं युद्ध भी सिद्धांतों के साथ होता है, प्रेम भी सिद्धांतों के साथ होता है, यहां युद्ध भी सिद्धांतों के साथ होता है। तो अंग्रेजों से हमारी दुश्मनी थी, वैर था, उन अंग्रेजों से जिन्होंने भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन अंग्रेजों से हमारा युद्ध था जिन्होंने भारत की लाखों माताओं, बहन, बेटियों से बलात्कार किए। आपको कल्पना नहीं है, कुछ दस्तावेज इतने खतरनाक हैं जो खून के आंसू रुलाते हैं। एक दस्तावेज है हमारे पास जो ये बताता है कि अंग्रेज कोई अधिकारी किसी भारत की मां, बहन, बेटी से बलात्कार करता था तो पहले उसको बेइज्जत करता था, मां, बहन और बेटी को नंगा किया जाता था, फिर बहन और बेटी का जो स्तन होता है उसको लोहे के चिमटे से तब तक दबाया जाता था जब तक उसमें से खून ना निकले, फिर उस मां, बहन, बेटी से बलात्कार अंग्रेज किया करते थे। ऐसे हैवानियत वाले अंग्रेज थे। लेकिन उन अंग्रेजों के खिलाफ भी भारत
भारत के क्रांतिकारियों ने एक सिद्धांत अपनाया कि उनकी माताओं बहन बेटियों को छुआ भी नहीं। पूरे युद्ध में अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम हुआ, किसी अंग्रेजी बहन बेटी और मां का कत्लेआम नहीं हुआ, किसी को छुआ भी नहीं। मेरठ आजाद हो गया डेढ़ दिन में। फिर उसके बाद मेरठ से क्रांतिकारी चले घोड़े पर और पैदल और दिल्ली पहुंच गए। 70 किलोमीटर की दूरी है, एक 24 घंटे में दूरी तय हो गई। दिल्ली पहुंच गए, 11 मई को दिल्ली में कत्लेआम शुरू हो गया और 15 मई तक पूरी दिल्ली आजाद हो गई अंग्रेजों की गुलामी से। फिर दिल्ली से निकले क्रांतिकारियों की एक टीम और बरेली गई, एक शाहजहांपुर निकली, एक अलीगढ़ की तरफ निकली, अलीगढ़ एटा इटावा होते हुए कानपुर में ये सब, फिर एक बरेली शाहजहांपुर होते हुए, ऐसी टुकड़ियां बटती गईं। और मात्र 3 महीने में, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, लगभग अगस्त का आधा महीना और बहुत अधिक तो 4 महीने मान लो, 1 सितंबर 1857 तक हिंदुस्तान की 350 छावनियां जो अंग्रेजों की गुलाम थी वो पूरी तरह से आजाद हो गई। इस पूरी कहानी में जो सबसे महत्व की बात रेखांकित करने की है वो एक कि भारत में 1850 तक किसी हिंदुस्तानी को कल्पना नहीं थी कि यह देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेज मारे जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बगावत कभी हो सकती है, इतना बड़ा संगठन खड़ा हो सकता है। आपको कल्पना है 350 छावनियों में जब लड़ाई हुई होगी तो कितने हिंदुस्तानियों ने भाग लिया। मैं ये एक आंकड़े के लिए 18 साल काम करता रहा कि कुल कितने हिंदुस्तानियों ने 1857 की लड़ाई में भाग लिया। एक इतिहासकार कहते हैं लाखों में, कोई इतिहासकार कहते हैं करोड़ों में, कोई इतिहासकार कुछ, कोई इतिहासकार एग्जैक्ट संख्या मुझे लगती थी कि पता होनी चाहिए। 18 साल लगे हुए, मेरे गुरु थे प्रोफेसर धर्मपाल, इतिहास के बहुत बड़े जानकार, उनकी मदद से और उनके कुछ साथियों की मदद से पता चला 4,20,00,000 से ज्यादा भारतवासियों ने अंग्रेजों के सामने आमने सामने का युद्ध किया। 1857 350 स्थानों पर युद्ध हुआ, हजारों लाखें तलवारें इस्तेमाल हुई, बंदूकें इस्तेमाल हुई, गोला बारूद इस्तेमाल हुआ। तो आप जरा दूसरे तरफ से कल्पना करिए कि कितना बड़ा यह संग्राम रहा होगा। 350 स्थानों पर 4,20,00,000 हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, बंदूकें और तलवारें, एक एक तलवार अगर एक एक हिंदुस्तानी के हाथ में रही हो तो 4,20,00,000 तलवारें रही होंगी। इतनी तलवारें बनाई किसने और इतना लोहा और स्टील आया कहां से? फिर ये खोजने के लिए जब निकला मैं तो पता चला अपने देश में एक बंजारा जाति समूह है। आप समझते हैं बंजारा? बंजारा ये सड़क के किनारे जो अपनी गाड़ी लगा के रहना शुरू कर देते हैं, घर नहीं बनाते कभी। लोहार, लोहार वो कारीगरी में लोहार हैं और जाति में बंजारा कहलाते हैं। ये अपना घर नहीं बनाते, क्यों? वो कहते हैं कि हमारे राजा ने कभी अपना घर नहीं बनाया तो हम क्यों बनाएं। और वो अपना राजा किसको मानते हैं? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं अपने को, वो कोई छोटे लोग नहीं है, छोटी जाति नहीं है, बहुत ऊंची जाति है। हमारे देश में कोई जाति छोटी जाति नहीं है, सब ऊंची जातियां हैं। तो वो कहते हैं हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हमारे राजा ने घर नहीं बनाया, घास की रोटियां खाई, गांव गांव गली गली उसने छावनियां तैयार की, हम कैसे घर बना सकते हैं? तो ये बंजारा जाति के लोग जो हर बड़े शहर में गांव के बाहर आप देखेंगे, अक्सर किसी भी शहर में जब आप घुसेंगे तो शहर के बाहर इनके आपको वो एक केंद्र स्थान नजर आएंगे। एक दो गाड़ी खड़ी होगी, वहां पर बच्चे खेलते होंगे, वहीं पर उनकी एक भट्टी होगी जिसमें लोहा गलाते हैं। ये बंजारा समाज को बहुत बड़ी महारत हासिल है लोहा गलाने की। लोहा गलाना समझते हैं? कच्चा लोहा, उसको स्टील बनाना, फौलाद बनाना, तो ये आग की मदद से होता है। तो लोहा गलाकर स्टील बना के तलवार देने का काम ये बंजारा जाति के लोगों ने किया था भारत के 4,20,00,000 क्रांतिकारियों को। बंदूकें बनी, तो बंदूकों की आगे की नाल तो लोहे की है, पीछे का लकड़ी का है, तो लोहारों ने काम किया नाल बनाने का और लकड़ी का काम करने वालों ने बट बनाई उसकी। तो लाखों वो लोग कारीगर थे। कितने करोड़ मीट्रिक टन लोहा गला होगा, मैं यही सोचकर रोमांचित हो जाता हूं 1857 में।
आज तो हम लाखों मीट्रिक टन लोहा बनाते हैं इस देश में, 1857 में लाखों मीट्रिक टन लोहा गलाया गया होगा, तब भाले बने होंगे, तब तलवारें बनी होंगी, तब बर्छी बनी होंगी, तब कृपाण बनी होंगी, तब छुरे बने होंगे, हैसिये बने होंगे और फिर अंत में बंदूक।